देखिए, आज तो हम लोग कृषक मोर्चा का ऑफिस बेयरर्स बुलु भाई और सनी भाई को हम लोग फेलिसिटेट किए हैं। ये लोग हमारा नयागढ़ का फार्मर्स का कृषि का जितना भी इश्यूज है, जो सालों से हमारे फार्मर्स लोग को समस्या है और अन्यान्य समस्या के ऊपर में हमें समझते एकजुट हुई स्टेट में आवाज उठाएगा। नयागढ़ का डेवलपमेंट के लिए हम लोग काम करने कर रहे हैं। नयागढ़ का उत्तरोत्तर उन्नति पाई आमे समस्ते काम करूछू। और नयागढ़ में जो सबसे बड़ा लोग का लॉन्ग स्टैंडिंग डिमांड है, जो चीनी कल के ऊपर में है, उसके ऊपर में हम लोग फोकस कर रहे हैं। और जब हम लोग का सरकार बनेगा, डेफिनेटली हम लोग अपना फार्मर्स का इश्यू, नयागढ़ का इश्यू के लिए, चीनी कल के लिए हम लोग डेफिनेटली काम करेंगे। हम हमेशा बिलीव करते हैं कि यूनिटी इज स्ट्रेंथ। बीजेपी पार्टी एक ही है। हम बीजेपी का लिए, बीजेपी का कैंडिडेट के लिए सिटिंग एमपी होके भी उनको सपोर्ट किए थे, और डेफिनेटली बीजेपी हम लोग साथ एकजुट होके हम लोग इलेक्शन लड़ेंगे। देखिए, ये ऐसा कोई ऐसा नहीं हुआ था, हम लोग भी वहाँ पे मौजूद थे, कोई अंडा नहीं फेंका है। और इसके ऊपर में हम ज्यादा बात करने नहीं सोच रहे, क्योंकि बीजेपी का ये एक ऑपोजिशन का एजेंडा है। बीजेपी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, और जो भी समस्या है वो घर का समस्या हम लोग सॉर्ट आउट कर सकते हैं इजीली। तो ये लोग हमारे नयागढ़ का जितना भी इश्यूज है फार्मर्स को लेके, इसको स्टेट में जाके उठाएंगे। और हम लोग अपना कृषक का कैसे विकास कर सकते हैं, उन लोग का उत्तरोत्तर उन्नति के लिए हम लोग काम करेंगे। डेफिनेटली हम लोग पूरा कोशिश करेंगे। हम लोग अगर हम लोग सरकार में जब आएंगे, हम लोग फार्मर्स के ऊपर पूरा फोकस करेंगे, क्योंकि हम लोग बिलीव करते हैं, मोदी जी बिलीव करते हैं कि कृषक मान का विकास ही देश का उन्नति है। कारण किसान मान का विकास ही देश का उन्नति।